इस सच की तलाश में आप सभी का स्वागत है। माली ने निकाला प्रतिवाद मार्च, एसटीपीयू कार्यालय का किया गया घेराव। जीप सदस्यता सरिता साव पर दिल्ली के सदानंद मर्मवाल द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को भाकपा माले, एक्वा और आरवाईए ने सरिया के प्रतिवाद मार्च निकाल और फिर एसटीपीयू कार्यालय घेराव किया। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि आरोपी के पक्ष में ये लोग जो है दिल्ली के सड़क को जाम करते हैं और भाजपा योग के जन के बतौर एसटीपीयू के सारे पर आज एपवा आरवाईए और भाकपा माले के संयुक्त कार्यक्रम एसडीपीओ कार्यालय का घेराव था। आज से कुछ दिन पहले बिरनी के सदानंद बर्नवाल के द्वारा एपवा नेत्री जिला परिषद सदस्य सरिता महतो के खिलाफ फेसबुक में वो टिप्पणी गलत था, इसके विरोध में उन्होंने सरिया एसडीपीओ कार्यालय को घेरने का पूरा पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले एपवा नेत्री और जिला परिषद सदस्य सरिता साहब के द्वारा बगोदर थाना में आवेदन दिया गया था और सीडीपीओ एसडीपीओ महोदय से ये उसके संज्ञान में दिया गया था कि सदानंद बर्नवाल जो है वो फेसबुक में गलत टिप्पणी किया है, उसको आपने पकड़ने का काम करें, उसको गिरफ्तार करने का काम करें। लेकिन एसडीपीओ ऐसा काम नहीं किए, गिरफ्तार भी नहीं किए, सिर्फ आश्वासन देते चले गए। इस कार्य को एपवा नेत्री सरिता महतो के द्वारा और एपवा के सदस्यों के द्वारा, आरवाईए के सदस्यों के द्वारा और भाकपा माले के साथियों के द्वारा उस सदानंद बर्नवाल को पकड़कर बगोदर थाना में दिया गया। इसी कड़ी में वो सदानंद बर्नवाल को जेल भेजा गया, लेकिन एसडीपीओ के द्वारा और सरिया इंस्पेक्टर के द्वारा एक मनगढ़ंत मुकदमा कर इन लोग को एक फर्जी मुकदमा के तहत अपहरण का मामला दर्ज करके इन लोग पर भी मुकदमा किया गया। इसलिए पार्टी ने और एपवा के लोग ने, आरवाईए के लोगों ने ये निर्णय लिया कि एसडीपीओ को हम लोग घेरेंगे और इसको आगे हम लोग इस कार्रवाई को मांग करेंगे, अन्यथा एसडीपीओ इस कार्य को अगर हमारे फर्जी लोगों का जो फर्जी मुकदमा किया गया अगर इसको हटाने का काम नहीं करेंगे तो ये माले और एपवा और आरवाईए के द्वारा एक झलक था। आगे का जो कार्यक्रम होगा वो यहाँ से यहाँ के इंस्पेक्टर और एसडीपीओ को एक सबक के रूप में कार्य किया जाएगा और इन लोग को यहाँ से खदेड़ को भगाया जाएगा।